हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ बच्चे तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा तो फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग के लिए जो भी टूल्स या जो भी एप्लीकेशन का यूज हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप उस लिंक की मदद से आप इजिली डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद चलेंगे फोन के स्क्रीन पे, ओपन करेंगे लाइट मोशन एप्लीकेशन को, एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए फ्रेंड्स चलते फोन के स्क्रीन पे, ओपन करते हैं लाइट मोशन एप्लीकेशन को, एडिटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे सिंपली लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, देन नीचे प्लस का आइकन आया है उसे सिंपली टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद यहाँ स्क्वायर साइज वाला जो रेशियो है इसे सेलेक्ट कीजिए, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिए। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, प्लस का आइकन पर क्लिक कीजिए, इमेज एंड वीडियो में जाइएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाली पिक्चर मैंने आपको दे दी तो इसे ले लीजिएगा, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए और इसे फिल स्क्रीन कर लीजिए। कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ इफेक्ट में जाएगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मीटर मास्किंग में चले जाना है, यहाँ पे आपको लूमा की का ऑप्शन मिलेगा इसे सेलेक्ट कीजिएगा, देन स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो लो लिखा हुआ है तो इसे आपको आगे की तरफ करना है, सिंपली इस तरह से कीजिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो ये व्हाइट वाला है तो ये रह जाएगा और बाकी जो भी कलर था वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाना, बैक आने के प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, ऑडियो वाले सेशन में जाइए, एक ऑडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना टाइम का स्टेटस बनाना चाहते हो उतना टाइम रखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ से कट कर लीजिएगा। इसके बाद इस वाले इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, और फिर सेलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आपका इमेज जो है जहाँ तक आपका सॉन्ग होगा वहाँ तक चला जाएगा। इसके बाद फिर से इमेज को सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिए। फिर से आप कलर एंड लाइट में चले जाइएगा, देन यहाँ पे डीएज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिए। कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। डीएज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे लेंथ इसका जो है तो इसे आपको बढ़ा देना है, सिंपली इस तरह से आगे की तरफ कर लीजिएगा, ठीक है। आप आगे करेंगे तो यहाँ पे डीएज का जो इफेक्ट देख सकते हैं तो ये आपको दिखने लगेगा, तो यहाँ पे आपको उसी के अकॉर्डिंग रख लेना है। फ्रेंड्स इसे आप जब आगे पीछे करेंगे तो ये थोड़ा सा स्लो काम करने लगता है, डीएज इफेक्ट इस पर देने के बाद ये थोड़ा सा स्लो काम करने लगता है, तो मैं यहाँ पे 1.60 कर दिया हूँ, तो ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, इंटेंसिटी इतना ही रहेगा। थ्री शोल्ड पे क्लिक कीजिएगा, थ्री शोल्ड को आपको कर देना है 99, ठीक है। तो 0.99 आपको सिंपली यहाँ पे कर लेना है, तो ये थोड़ा स्लो काम करता है, तो थोड़ा आराम से इसे कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, धीरे धीरे से कीजिएगा, हो जाएगा। तो फिर से आप ये हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं 99 मैंने कर दिया। अब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो ये फर्स्ट वाला जो सेंटर था इस पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद इसे प्लस में आपको 300 कर देना है, सिंपली यहाँ पे 300 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा, और ये रहा 3 का, यहाँ पे 300 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइनिंग देख सकते हो व्हाइट वाला जो आ रहा था वो थोड़ा कम आ रहा है, तो उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। पहले चलते लास्ट में, लास्ट में आने के बाद फिर से यहाँ पे प्लस कर लेना है, और इसके बाद 300 माइनस में इसे कर देना है। तो यहाँ पे डीएज इफेक्ट जो लाइटिंग देख सकते ये आ रहा है, बस इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो अभी थोड़ा सा पहले इसे 300 पे कर लेते हैं, इसके बाद उसे भी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं ये 300 मैंने कर दिया। अब इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ लेंथ का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, लेंथ पे आकर इसे देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो इसे हम जितना बढ़ाएंगे उतना यह धुंधला आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा और आगे करते हैं और देख लेते कहाँ तक ये सही आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये लेंथ थोड़ा कम जा रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा इसे 70 से क्या अकॉर्डिंग रखते हो, तो चलिए 75 ही इसे रख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ जो है सो आ रहा है अच्छे से, यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा। बस इंटेंसिटी पे क्लिक करते हैं और इंटेंसिटी को थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप इंटेंसिटी बढ़ाने पर यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेडियज है ये थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, तो चलिए इसे हम इतना पे 2 पे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2.00 कर देते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि ये स्टार्टिंग से कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा स्लो काम करने लगता है, तो आप जब इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो अच्छे से काम करने लगता है। स्टार्टिंग में ये प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, इमेज एंड वीडियो में जाइएगा। फिर से यहाँ पे ये वाला जो इसे आपको ले लेना है पीएनजी को, और यहाँ मूव जूम वाले ऑप्शन पे जाना है, इसे आपको जूम आउट कर देना है इस तरह से, देन इसे उठाकर यहाँ से आपको यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। इतना पे रख लीजिएगा,
देन स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ईमेल टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं, किसी का नाम भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसे अलाइन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली ब्रोकन लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बी ब्रो, ठीक है, यहाँ पे ब्रोकन मैंने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे रोबोटो रेगल पर क्लिक कीजिए और फ्रेंड्स लेमन मिल्क मीडियम का फॉन्ट आपको ले लेना है, मैंने लिंक आपको दे दिया तो अभी ले लीजिएगा। इसका साइज आपको छोटा कर लेना है, इतना छोटा कीजिएगा कि वहाँ पे एडजस्ट हो जाए अच्छे से। तो इसे हम रखेंगे यहाँ पे, ये वाला जो बीट है इसके बाद इसे रखेंगे। इसका कलर यहाँ पे ब्लैक कर लेना, तो सिंपली इसे सेलेक्ट कीजिएगा, देन यहाँ पे ब्लैक वाला जो ऑप्शन इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आपको राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसका एक डुप्लीकेट कर लीजिए, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इसका डुप्लीकेट कर लीजिएगा, डुप्लीकेट वाले को सेलेक्ट कीजिएगा और फ्रेंड्स इसे नीचे सेंटर में यहाँ पर रखना है, ठीक है। देन यहाँ एडिट टेक्स्ट में जाइएगा और जो यहाँ से लिखा हो इसे सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। इसके बाद इमोजी वाले ऑप्शन में जाइएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे कोई कुछ इमोजी आपको लेना है तो मैंने ये तीनों लिया था, आपको जो भी सही लगे उसे ले लीजिएगा। इसके बाद इसका थोड़ा सा कम कर देंगे, यहाँ पे लेंथ जो इसका है ये काफ़ी बड़ा है, इसे कम कर देते हैं। इसके लेमन मिल्क मीडियम है तो इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे iOS वर्जन कर लेंगे। देन यहाँ पे आपको ये ब्लैक जो कलर वाला ऑप्शन दिख सकता है इस पर क्लिक कीजिए, पेंसिल के नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इसे यहाँ पर ट्रांसप्रिंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे आपका वीडियो जैसे बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे एडो पे क्लिक कीजिए, लास्ट में आ जाइएगा, लास्ट में आने के बाद स्क्रीन पे टैप कीजिएगा, स्क्रीन पे टैप कीजिएगा और इसे ये तीनों जो आपको दिख रहा है तो इस पे क्लिक करना है, फिर इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना तो ये लास्ट तक आ जाएगा, फिर से इस वाले पर सिलेक्ट करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लास्ट तक आ गया, फिर से इस वाले पर क्लिक करना है और इसे भी लास्ट तक कर लेना। तो देख सकते हो परफेक्टली लास्ट तक आ गया, अब स्टार्टिंग में ये ऑप्शन से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा तो उस तरह से वीडियो आपकी बनकर तैयार हो चुकी है। अब सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर जो ये एरो देख सकते हैं इस पर सिंपली टैप कर लीजिए, टैप करने के बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे एक मिनट दबा लीजिए ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।